हेलो स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस पार्ट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द टू टाइप्स ऑफ क्रॉप्स ऑन द बेसिस ऑफ सीजन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स एंड खरीफ क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन द विंटर सीजन फ्रॉम नवंबर टू अप्रैल मंथ, सच एज वीट, ग्राम। एंड खरीफ क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन द रेनी सीजन, मीन्स फ्रॉम जून टू अक्टूबर, सच एज मेज, कॉटन एटसेट्रा। अब इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि किस प्रकार से, एज वी नो दैट आफ्टर इंडिपेंडेंट द ग्रोथ ऑफ आवर कंट्री इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, ह्यूमन बींग की पॉपुलेशन डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही है, और पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो प्रोडक्शन भी हमें इंक्रीज करना पड़ेगा। एज वी नो दैट इंडिया ग्रोथ इट्स प्रोडक्शन फ्रॉम 1952 टू 2010, यानी 1952 से लेकर के 2010 तक इंडिया ने अपनी क्रॉप प्रोडक्शन जो क्षमता है वो 4 times ज्यादा बढ़ा ली, जबकि कल्टीवेटेड एरिया यानी जितना लैंड सरफेस एरिया जहां पर खेती करते थे उसका सिर्फ इंक्रीजमेंट कितना किया, 25%। एज वी नो दैट द इंडिया इंक्रीजेस और इंक्रीज्ड The crop production from 1952 to 2010 4 times, मतलब इंडिया ने 1952 से लेकर के 2010 तक क्रॉप का प्रोडक्शन कितना कर लिया, जितना पहले प्रोडक्शन मान लिया 100 क्विंटल होता था तो अब कितना, 2010 तक कितना हो गया, 4 times इंक्रीज कर लिया, लेकिन लैंड सरफेस एरिया केवल, ये नहीं कि उसको भी 4 times बढ़ा दिया, लैंड सरफेस एरिया तो 25% इंक्रीज किया, बट इंक्रीज द कल्टीवेटेड एरिया, मतलब जहां खेती करते हैं कल्टीवेटेड एरिया इंक्रीज कितना किया, ओनली 25%। Suppose we at that time we have only 100 hectares, and now the surface area increase 125 hectares. मतलब पहले 100 hectares था, suppose कीजिए 1952 के अंदर, तो 2010 में कितना होगा, 125% land surface area increase किया, लेकिन production हमारा 4 times increase कर दिया। 4 times increase क्यों कर लिया? We know that the population of our country is increasing day by day. ह्यूमन बींग की पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो ह्यूमन बींग को प्रोडक्शन, फूड भी चाहिए, और फूड जितनी रेट से हमारी इंक्रीजमेंट हो रही है प्रोडक्शन की, उसी रेट से हमारा प्रोडक्शन होगा फूड का, तभी तो सभी की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो पाएगी। दिस इज ड्यू टू इंक्रीजमेंट या इंक्रीजिंग द ह्यूमन पॉपुलेशन इन आवर कंट्री डे बाय डे, क्योंकि हमारे देश की जो जनसंख्या है ह्यूमन बींग की, वो डे बाय डे इंक्रीज हो रही है, और इस इंक्रीजिंग पॉपुलेशन को यदि हमें फूड प्रोवाइड कराना है, सो वी हैव टू नीड इंक्रीज आवर पॉपुलेशन प्रोडक्शन रेट, दस टू प्रोवाइड the food to the increasing population we need to increase the production, yani क्रॉप प्रोडक्शन, हमें अपनी जनसंख्या जो बढ़ती जा रही है इसको सभी को फूड प्रोवाइड कराना है, तो उस फूड प्रोवाइड कराने के लिए हमें इंक्रीज द क्रॉप प्रोडक्शन, हमारे फसलों का उत्पादन भी बढ़ाना पड़ेगा। तो फसलों का उत्पादन कैसे बढ़ाएं, कुछ टेक्निक्स हैं जिनके द्वारा हम अपने क्रॉप्स का प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर द फॉलोइंग फीचर्स बाय विच
we can increase our food production. हमारे फूड का प्रोडक्शन यदि हमें इंक्रीज करना है तो हमें क्या क्या फीचर अपनाने पड़ेंगे. क्वेश्चन यू कैन राइट दैट, व्हाट आर द फीचर्स बाय विच वी कैन इंक्रीज आवर फूड प्रोडक्शन. वो क्या क्या फीचर हो सकते हैं. वो देर आर थ्री फीचर्स. वो कौन कौन से हैं थ्री फीचर्स. फर्स्ट वन है वी नीड टू इंप्रूव, किसमें, फूड वैरायटी. तो क्या लिखेंगे हम, इंप्रूवमेंट इन क्रॉप वैरायटी, यानी हमारी जो फसल है उसकी वैरायटी में हमें इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा, उसमें बढ़ावा देना पड़ेगा. सेकेंडली इंप्रूवमेंट इन फूड प्रोडक्शन और क्रॉप प्रोडक्शन, सेम क्रॉप वैरायटी और क्रॉप की फूड प्रोडक्शन जो है क्रॉप प्रोडक्शन. पहले तो हमें ऐसी फसल उगानी पड़ेगी जिनके सीड अच्छी क्वालिटी की हो, बढ़िया क्वालिटी वाली हो, उसमें इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा. दूसरा, हमारा प्रोडक्शन यदि वैरायटी अच्छी होगी तो प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगा. और थर्ड वन, इंप्रूवमेंट इन फूड या क्रॉप प्रोटेक्शन, हमें फसलों का अच्छी प्रकार से देखभाल भी करनी होगी. तो थर्ड वन इज इंप्रूवमेंट इन प्रोटेक्शन मैनेजमेंट, प्रोटेक्शन मैनेजमेंट. दीज आर द थ्री फीचर्स बाय विच वी कैन इंक्रीज अवर फूड प्रोडक्शन और क्रॉप प्रोडक्शन. फर्स्ट वन इज इंप्रूवमेंट इन क्रॉप वैरायटी, हमारी फसलों की जो भी वैरायटी है उसको अच्छा बनाना पड़ेगा. दूसरा, इंप्रूवमेंट इन क्रॉप प्रोडक्शन, जो हमारी फसलों का उत्पादन है, क्रॉप का जो प्रोडक्शन है उसमें इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा हमें. और थर्ड वन, जो हमारी क्रॉप का हम प्रोटेक्शन करते हैं उस प्रोटेक्शन मैनेजमेंट को भी हमें इंप्रूवमेंट सुधारना होगा, जिसके कारण से हमारी फूड का प्रोडक्शन यानी क्रॉप का प्रोडक्शन ज्यादा हो सकता है. अब फर्स्टली हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, इंप्रूवमेंट इन फूड वैरायटी और क्रॉप वैरायटी, सॉरी इंप्रूवमेंट इन क्रॉप वैरायटी, मतलब हमारी जो फसलें हैं उनकी वैरायटी हमें सुधारनी पड़ेगी. अब फसलों की वैरायटी कैसे सुधारें, क्योंकि कोई भी हम क्रॉप उगाते हैं तो उसके लिए हमें सीड चाहिए, तो सीड हमारा हाई क्वालिटी का होना चाहिए, उन्नत किस्म का होना चाहिए. टू इंप्रूव द क्रॉप वैरायटी, फर्स्टली वी नीड टू चूज हाई क्वालिटी या हाई यील्डिंग, YIELD, यील्ड, यू कैन से दैट हाई यील्ड वैरायटी. फुल फॉर्म होती है बेटा हाई यील्ड वैरायटी, जबकि एब्रिविएशन यूज करें HYV, नॉट HIV, HYV, हाई यील्ड वैरायटी. लेकिन यदि आप HIV लिख सकते हैं, दैट इज द वायरस विच कॉज एड्स, दिस इज HYV, हाई यील्ड वैरायटी सीड. इसके लिए यदि क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ाना है, क्रॉप की वैरायटी बढ़ानी है, तो हमें हाई क्वालिटी के सीड लेने होंगे, हाई वैरायटी के सीड लेने होंगे. ये सीड कैसे लिए जाते हैं, हाई क्वालिटी के सीड बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दो फसल जो एक ही जेनेरिक, जिनका जीन एक जैसा ही हो, जैसे कि वीट की वैरायटी है, वीट की डिफरेंट वैरायटी है, सोना, कल्याण, 306, ये हीरा, मोती, ये डिफरेंट टाइप की वीट गेहूं की वैरायटी है. यदि दो वैरायटी को आपस में क्रॉस करवा दिया जाए तो दोनों वैरायटी के, मतलब न्यू जो जनरेशन प्रोड्यूस, उसमें दोनों का, यानी जैसे सपोज कीजिए सोना और कल्याण का हमने क्रॉस करा दिया, तो अगली जनरेशन, अगला जो सीड बनेगा उसमें सोना की वैरायटी भी होगी और कल्याण की भी होगी. तो इस प्रकार हाई यील्ड वैरायटी का सीड बनाया जा सकता है, क्रॉसिंग करा के बनाया गया, इसको क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन सीड. दस वी हैव टू प्रोड्यूस हाइब्रिड सीड,
हाइब्रिड सीड मतलब हाइब्रिडाइजेशन करके, वह क्वेश्चन पूछा व्हाट इज हाइब्रिड सीड, व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है डिफाइन हाइब्रिडाइजेशन, डिफाइन हाइब्रिडाइजेशन। इट इज द क्रॉसिंग बिटवीन द, इट इज द क्रॉसिंग बिटवीन द टू वेराइटीज ऑफ ए स्पीसीज, यानी स्पीसीज एक हो लेकिन उसकी वैरायटी दो हो, जैसे कि वीट की बताई, इसी प्रकार से हमारी राइस की भी होती है। तो डिफरेंट यानी राइस हमारा डिफरेंट टाइप का, जैसे गोल्डन राइस भी है हमारा, बासमती राइस भी है। तो इन दोनों को यदि हम इस प्रकार से क्रॉस करा दें तो न्यू जनरेशन जो सीड बनेगा उसमें बासमती का भी गोल्डन राइस दोनों प्रकार का सेम आपने लिखने जो दी है, तो दो वैरायटी जो एक स्पीसीज की हैं उनका आपस में क्रॉसिंग करा देते हैं, तो इस प्रकार से जो सीड प्रोड्यूस होता है उस सीड को क्या बोलते हैं, हाइब्रिड सीड या हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। इस हाइब्रिडाइजेशन करने के कारण से सीड की वैरायटी जो होती है वो अच्छी हो जाती है, और इस प्रकार का सीड जिसकी वैरायटी अच्छी होती है उस प्रकार सीड को क्या बोलते हैं, HYV हाई यील्ड वैरायटी। जितना सीड अच्छा होगा उसके उतनी ही प्रोडक्शन ज्यादा होगी। इसके साथ साथ हमें और क्या चूज करना पड़ेगा, हमें वो सीड देखना पड़ेगा उसके अंदर वाइडर एडाप्टेबिलिटी हो, मतलब वो सीड हर प्रकार के मौसम में, ज्यादा एक्सट्रीम हॉट हो टेम्परेचर ज्यादा बढ़ जाए तब भी वो ग्रोन कर जाए, लोअर टेम्परेचर ज्यादा कम हो जाए तब भी ग्रोन, यानी किसी प्रकार का सराउंडिंग एरिया से कोई इफेक्ट ना पड़े, इस प्रकार की वैरायटी भी एक्सेप्ट, मतलब ये चीज तो हमने लेनी नहीं है, इसके साथ साथ हमें और भी कंडीशन चूज करनी पड़ेंगी, एक्सेप्ट द हाइब्रिडाइजेशन या हाइब्रिड सीड। हाइब्रिड सीड वी नीड टू चूज some other features also, यानी हाइब्रिड सीड के फीचर तो हमें चूज करना ही करना है, उसके साथ साथ कुछ अलग फीचर्स भी हमें चूज करने पड़ेंगे। क्या फर्स्ट वन है वाइडर एडाप्टिबिलिटी, मतलब सीड अपने आप को एक्सट्रीम कंडीशन मतलब ज्यादा गर्मी हो जाए ज्यादा सर्दी अपने आप को मेंटेन कर सके, सराउंडिंग कंडीशन के हिसाब से अपने आप को मेंटेन कर ले जिसके कारण से वो अपने प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकता है। दिस मींस दैट द सीड हैज द प्रॉपर्टी टू मेंटेन इन ऑल conditions, यानी सीड अपने आप को हर कंडीशन के अंदर मेंटेन कर ले, सराउंडिंग के अंदर यानी चारों तरफ की दो उसके चारों तरफ सीड जहां आपने बोया है, तो ज्यादा गर्मी हो जाए ज्यादा ठंड हो जाए, फ्रोस्ट adaptability, drought, इस प्रकार की कोई कंडीशन आ जाए तो अपने आप को मेंटेन कर ले, पहली चीज तो ये होनी चाहिए। दूसरा, हमें ऐसे सीड ऐसी क्रॉप का प्रोडक्शन करना चाहिए जिसकी प्रोडक्शन क्षमता लोअर टाइम में हो, यानी टाइम पीरियड लोअर हो, जैसे साल में एक तो एक बार ही फसल उगाए, एक साल में दो बार उगने वाली फसल बोए, दो बार उगाएंगे तो हमारा प्रोडक्शन और ज्यादा होगा। तो दूसरा क्या होगा, टाइम ड्यूरेशन, इसके कारण से प्रोडक्शन बढ़ सकता है हमारा। इट मीन्स दैट वी ग्रो such types of crops which produce in short period of time, यानी कम समय में वो प्लांट का प्रोडक्शन हो जाए, इस प्रकार की होनी चाहिए। और थर्ड, वो क्रॉप बायोटिक और अबायोटिक स्ट्रेस, मतलब बायोटिक मतलब किसी प्रकार के नेमाटोड इंसेक्ट वगैरह प्रोड्यूस हो जाते हैं, जैसे कि आप कहते हैं सुरसी प्रोड्यूस होगी,
तो ये इंसेक्ट प्रोड्यूस ना हो, इंसेक्ट होते तो बायोटिक, और यदि वो टेम्परेचर के हिसाब से ज्यादा गर्मी हो जाए, हॉट ड्राट सूखा पड़ जाए, तो अपने आप को हर कंडीशन में मेंटेन कर लेते, दैट इज अबायोटिक स्ट्रेस। तो बायोटिक और एबायोटिक स्ट्रेस, यानी इनके इन सीड के ऊपर जो हमने प्रोडक्शन किया है उनके ऊपर किसी प्रकार का तो बायोटिक यानी इंसेक्ट का कोई प्रकार का नुकसान ना हो, और न ही हमारे टेम्परेचर का। इट मीन्स दैट देयर इज नो लाइव लाइव ऑर्गेनिजम्स या लिविंग ऑर्गेनिज्म का अफेक्ट सच एज नीमाटोड, यानी फसलों के ऊपर किसी प्रकार का नीमाटोड कोई इंसेक्ट वगैरह अटैक ना करे, ये नहीं होना चाहिए, दैट इज द बायोटिक। ये कौन सा है? बायोटिक स्ट्रेस। और सेकेंडली है और एनी टेम्परेचर, किसी प्रकार का टेम्परेचर कंडीशन मीन्स न तो उस पर ड्रॉट न हॉट न विंटर, ड्रॉट मतलब सूखा, गर्मी सर्दी इस प्रकार का उनके किसी प्रकार का स्ट्रेस ना पड़े, तो इस प्रकार की क्रॉप जिनके ऊपर बायोटिक एबायोटिक स्ट्रेस नहीं होता उनका प्रोडक्शन भी ज्यादा होता है। एंड टेम्परेचर ड्रॉट हॉट एंड कोल्ड दिस आर कॉल्ड एबायोटिक स्ट्रेस। तो इस प्रकार का स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, तो जिसके कारण से प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगी। और लास्ट वन इज एग्रोनॉमिक करेक्टर्स डिजायरेबल एग्रोनॉमिक करेक्टर्स, यानी हम जो फसल उगाते हैं उनमें हमारे डिजायर्ड करेक्टर्स ऐसा होना चाहिए। क्या? कि जितनी भी हमारी फोडर क्रॉप्स है, चारे वाली फसलें हैं, जितनी ज्यादा लंबी होंगी, जितनी ज्यादा प्रोड्यूस मतलब ज्यादा ब्रांच होंगी, चारा ज्यादा बनेगा। छोटी फसलों की चारे वाली तो चारा कम बनेगा। तो फोडर क्रॉप्स हमारी टाल होनी चाहिए, प्रोफ्यूज ब्रांच में होनी चाहिए। लेकिन सिरिल क्रॉप्स जो हमारी अनाज वाली फसलें हैं, जैसे कि वीट है, ग्राम है, वो हमारे ड्रॉफ मीन्स शॉर्ट होनी चाहिए, क्योंकि जितनी वो क्रॉप्स शॉर्ट होंगी उतना ही प्लांट्स न्यूट्रिशन अर्थ से ले लेंगे। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट डिजायरेबल एग्रोनॉमिक करेक्टर्स। इट मीन्स द फोडर क्रॉप्स मीन्स जो पशुओं को चारा डालते हैं, मे बी टॉल और प्रोफ्यूज ब्रांच मतलब ज्यादा उसकी शाखाएं होनी चाहिए, और सील्स मतलब अनाज वाली फसलें, धान्य फसलें, सील्स क्रॉप्स मे बी शॉर्ट, यू कैन राइट शॉर्ट एज वेल एज ड्वार्फ, DWARF ड्वार्फ, दस दे कैन ऑब्टेन लार्ज न्यूट्रिशन फ्रॉम द सोइल, क्योंकि जितनी सोइल के नजदीक होंगे उतनी ज्यादा ही न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर लेंगे, और जितना ज्यादा न्यूट्रिशन लेंगे उतना ही प्रोडक्शन ज्यादा होगा। तो फर्स्टली इंडिया ने 1952 से 2010 तक जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो 4 times इंक्रीज कर लिया, लेकिन लैंड सरफेस एरिया ओनली 25% इंक्रीज किया। ये इंक्रीज क्यों हो रहा है? क्योंकि डे बाय डे ह्यूमन बींग की पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है। इस इंक्रीजिंग पॉपुलेशन को फूड जो पार्टिकल्स की रिक्वायरमेंट होती है उनकी फुलफिलमेंट करने के लिए क्रॉप का प्रोडक्शन ज्यादा होना चाहिए। अब क्रॉप का प्रोडक्शन ज्यादा होना चाहिए, क्या कुछ होनी चाहिए? 3 मेन है, इंप्रूवमेंट इन क्रॉप वैरायटी, इंप्रूवमेंट इन क्रॉप प्रोडक्शन एंड इंप्रूवमेंट इन प्रोडक्शन मैनेजमेंट। तो फर्स्ट चीज उन्होंने क्या लिया? इंप्रूवमेंट इन क्रॉप वैरायटी। फसलों की वैरायटी में हम कैसे इंप्रूवमेंट कर सकते हैं? तो पहली चीज हमें क्या करना पड़ेगा? हाई यील्ड वैरायटी का सीड लेना पड़ेगा, ताकि जितनी बढ़िया वैरायटी का सीड होगा तो उसका प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा, उसकी क्वालिटी अच्छी है। तो कैसे लेंगे? उसको हाइब्रिडाइजेशन करा के। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? दो एक ही प्रकार की स्पीसीज की फसल जिनकी वैरायटी अलग अलग हो,
दो अलग अलग वैरायटियों की एक स्पीसीज की प्लांट को आपस में क्रॉस कराया जिसके कारण से जो सीड प्रोड्यूस होगा उसमें दोनों की वैरायटी होगी। इस प्रकार के सीड को बोलते हैं हाइब्रिड सीड और प्रोसेस को बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। इनके साथ साथ ये तो हमने क्या किया, क्रॉप का प्रोडक्शन बढ़ा लिया, उसके साथ साथ और भी चीजें ऐसी हैं जिनके कारण से हम प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। वो क्या क्या है, वाइडर एडाप्टेबिलिटी, टाइम ड्यूरेशन, यानी जिसका शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन होगा वो ज्यादा प्रोडक्शन करेगा, साल में दो बार उगाएं, तीन बार उगाएं ऐसी फसल लेनी चाहिए, न कि साल में हमें एक बार उगाएं। और थर्ड वन, बायोटिक एंड अबायोटिक स्ट्रेस से छुटकारा मिलना चाहिए, यानी किसी प्रकार का बायोटिक उसमें इंसेक्ट वगैरह प्रोड्यूस ना हो, किसी एडवर्स कंडीशन में खराब ना हो। और लास्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टर्स, इट मीन्स फोडर क्रॉप्स हमारी टॉल होनी चाहिए, प्रोफ्यूज ब्रांच में होनी चाहिए, और जो सीरियल क्रॉप्स हैं, जो अनाज वाली फसलें हैं, दो शूज भी ड्राफ और शॉर्ट, सो दैट दे कैन लिव नियर टू द सोइल एंड टेक द न्यूट्रिशन फ्रॉम द सोइल एंड दे इंक्रीज द प्रोडक्शन। क्लियर।